गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपकी ईवीएस की क्लास है। ईवीएस का चैप्टर फर्स्ट हमने पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था और चैप्टर का नाम था फैमिली। और फैमिली के बारे में हम सभी जानते हैं, फैमिली मतलब परिवार। और हमने वी कैन डिवाइड फैमिली इनटू थ्री कैटेगरी, हमने परिवार की तीन कैटेगरियों के बारे में समझा था। एक है स्मॉल फैमिली, एक होती है बिग फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। ये थ्री टाइप्स ऑफ फैमिलीज हैं। आज हम फैमिली मेंबर्स वर्क यानी परिवार के सदस्यों के कार्य वो हम लर्न करेंगे। फादर अर्न्स मनी फॉर द फैमिली, मदर डज ऑल हाउस होल्ड वर्क, सम मदर्स also go to work and earn money for the family। यानी जो फादर हैं, पिताजी हैं, वो परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। मदर यानी मम्मी या माताजी हैं, वो घर का सारा काम करती हैं। सम मदर्स also go to work यानी कुछ मदर्स काम पर वर्क पर जाती हैं और अर्न मनी फॉर द फैमिली और परिवार के लिए पैसा कमाती हैं। सिमरन्स फादर इज ए डॉक्टर, ही अर्न्स मनी फॉर द फैमिली, ही हेल्प्स द फैमिली इन मैनी वेज, ही टेक्स द फैमिली आउट फॉर शॉपिंग एंड आउटिंग्स। यानी सिमरन के एक गर्ल का नाम है सिमरन, उसके पापा डॉक्टर हैं, वह अपने परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। और ही हेल्प्स द फैमिली इन मैनी वेज यानी परिवार के सभी कार्यों में वो हेल्प करते हैं, कई तरीक़ों से परिवार की मदद करते हैं। और फैमिली को शॉपिंग पर और आउटिंग पर यानी घुमाने के लिए भी ले जाते हैं। सिमरन्स मदर इज़ ए टीचर, सी टीच एंड हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन दियर स्टडीज एट होम, सी इज़ अ गुड केयर टेकर, सी कुक्स फूड एंड डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क, सी लव्स हर चिल्ड्रन वेरी मच, सी टेक्स केयर ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स प्रॉपरली। यानी सिमरन के फादर हैं वो तो डॉक्टर हैं, सिमरन की मदर एक टीचर हैं और वह अपने स्टूडेंट्स की हर तरह से पढ़ने में मदद करती हैं। और स्कूल में तो वो स्टूडेंट्स की हेल्प करती है, घर पर वह अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करती है। सी कुक्स फूड एंड डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क, वह बहुत अच्छा खाना बनाती है और घर का सारा काम भी करती है। सी लव्स हर चिल्ड्रन वेरी मच, वह अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करती है और घर के सभी मेंबर्स का प्रॉपरली यानी अच्छे से केयर करती है, अच्छे से ध्यान रखती है। हाउ टू हेल्प योर पेरेंट्स, अब जो चिल्ड्रन हैं वो अपनी पेरेंट्स की हेल्प किस तरह से कर सकते हैं ये देखिए इसमें। चिल्ड्रन शुड हेल्प दियर पेरेंट्स यानी बच्चे अपनी पेरेंट्स की अपने माता पिता की हेल्प करते हैं। सिमरन हेल्प्स हर मदर इन द किचन एंड लेइंग द टेबल बिफोर लंच और डिनर, सी ऑल्सो हेल्प्स हर ब्रदर टू गेट रेडी फॉर स्कूल। यानी जो चिल्ड्रन है वो अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं घर के काम में। अब सिमरन है वो अपनी मदर की हेल्प करती है किचन में और लंच और डिनर से पहले खाना परोसने में, टेबल लगाने में, दरी बिछाने में, जो भी आप समझ, लेइंग द टेबल मतलब खाना परोसने से पहले टेबल पर सब जो प्लेट्स वगैरह लगाने में मम्मी की हेल्प करती है। सी ऑल्सो हेल्प हर ब्रदर
टू गेट रेडी फॉर द स्कूल, यानी वो अपने छोटे भाई को स्कूल जाने के लिए तैयार भी कर देती है। रवि इज टू स्मॉल टू डू हाउस वर्क, ही कीप्स हिज टॉयज एंड बुक्स इन द प्रॉपर प्लेस एंड द कीप्स हिज रूम क्लीन। यानी जो रवि है वो भी बहुत छोटा है कि वो घर के कार्य में हेल्प कराने के लिए बहुत अभी छोटा है। वह अपने टॉयज और बुक्स को प्रॉपर प्लेस पर रख देता है और अपने रूम को क्लीन रखता है, यानी वो घर के कार्य नहीं कर सकता, घर के काम में तो वो अभी हेल्प नहीं करता है, लेकिन अपने टॉयज और अपनी बुक्स को वो प्रॉपर जगह पे रखता है और अपना रूम एकदम क्लीन रखता है। तो आप भी अपने बुक्स वगैरह टॉयज वगैरह अगर आप अच्छे से रखोगे तो आपका रूम भी क्लीन रहेगा और आप अपनी मम्मी की भी थोड़ी हेल्प करवा सकते हो। विक्रम्स ग्रैंडफादर टेक्स हिम एंड हिज सिस्टर टू गेट स्कूल बस एवरी मॉर्निंग। विक्रम्स ग्रैंडमदर हेल्प हिज मदर इन द किचन एंड लुक्स आफ्टर हिम एंड हिज सिस्टर स्कूल। सी टेल्स देम स्टोरीज एवरी नाइट। विक्रम एंड हिज सिस्टर लव दियर ग्रैंड पेरेंट्स। यानी विक्रम के जो ग्रैंड फादर है, विक्रम के दादाजी हैं, वो उन्हें और उसको और उसकी सिस्टर को स्कूल बस तक छोड़ने के लिए लेने के लिए सुबह सुबह जाते हैं एवरी मॉर्निंग। अब विक्रम की ग्रैंड मदर, विक्रम की जो दादी जी हैं, वो विक्रम की मम्मी की किचन में भी हेल्प करती हैं और विक्रम और उसकी सिस्टर को देखभाल उसकी देखभाल भी करती है। जब वो स्कूल से आ जाते हैं तो उन दोनों की देखभाल भी उनकी दादी जी ही करती हैं और विक्रम की दादी जी रोज़ उन्हें स्टोरी सुनाती है, रात में रोज़ स्टोरी भी वो सुनाती है। विक्रम एंड हिज सिस्टर लव दियर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी विक्रम और उसकी जो सिस्टर है वो अपने दादाजी और दादी जी से बहुत प्यार करती हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, यानी इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं वो देखिए, जो हमने इस चैप्टर में अब तक लर्न कर लिया है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फैमिली, स्मॉल बिग एंड जॉइंट। यानी ये आपके एक वापस रिवाइज कराने के लिए पॉइंट दिए गए हैं। सेकंड पॉइंट है फैमिली मेंबर्स शुड हेल्प ईच अदर, यानी जो फैमिली मेंबर्स है वो आपस में एक दूसरे की हर तरह से हेल्प करते हैं। दे शुड लव एंड केयर फॉर ईच अदर, यानी वो आपस में प्यार से और एक दूसरे की देखभाल करते हुए साथ साथ रहते हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर योर फैमिली, तो देयर आर सिक्स मेंबर्स इन फैमिली, यानी मेरे परिवार में सिक्स मेंबर्स हैं। अब आपके यहाँ अगर फैमिली में फोर है फाइव है तो आप यहाँ फोर फाइव भी लिख सकते हैं। व्हाट इज ए स्मॉल फैमिली, ये भी क्वेश्चन आपको करना है। व्हाट इज योर मदर्स नेम, यहाँ आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है। माय मदर्स नेम इज, आपकी मम्मी का जो भी नाम हो वह आगे आप लिख देंगे। अब व्हाट जॉब डज योर फादर डू, यानी माय फादर वर्क इन द ऑफिस। फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऐसे ही करना है। माय फादर्स नेम इज मिस्टर, तो आपके पापा का नाम आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं कॉपी में। ये मैच द फॉलोइंग नहीं करना है, ये बुक में ही कर लेना।
और ट्रू फॉल्स भी बुक में ही करना है। आपको ये क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।